हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त सईद इमरान अली, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है हैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त जगह पर लेके आया हूँ। आपका भी दिल खुश हो जाएगा यहाँ पर आकर देखकर कि मैं आपको कहाँ पर लेके आया। तो दोस्तों, आज मैं आपको जेदे की लस्सी पिलाने के लिए लेके आया हूँ। जेदा लस्सी वाले के पास हम आए हैं, और यहाँ पर रश देख कर, मैं सुबह सुबह का टाइम है और ना कोई छुट्टी का दिन है, तो मैं यहाँ पर रश देख कर तो हैरान और परेशान हो गया हूँ कि इतना रश बगैर छुट्टी वाले दिन भी। तो छुट्टी वाले दिन क्या हाल होता होगा यहाँ पर। तो चले आए, आपको लेके चलते हैं और यहाँ पर रश भी दिखाते हैं और जेदे की लस्सी भी आपको दिखाते हैं कि कैसे वो बनाते हैं और उसका क्या टेस्ट है आज भी। तो जी दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं लस्सी लेकर यहाँ पहुँच चुका हूँ, बड़ी मुश्किल से, बहुत रश की वजह से बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बारी आती है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र कि बारी आ गई है। तो आप देख रहे हैं कि इतनी गाढ़ी लस्सी और इसका क्या टेस्ट होता है ज़बरदस्त। तो चले, मैं आपके साथ पी के बाद इसका टेस्ट जो है वो शेयर करता हूँ कि किस तरह का टेस्ट इसका अभी भी वैसा है कि नहीं है जैसे पहले होता था। तो चलें, हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इतनी गाढ़ी लस्सी मेरे नहीं ख्याल से कि कहीं और से मिलती होगी जितना जेदा लस्सी वाले से मिलती है। और आपको पता, यही वजह है जिसकी वजह से दूर दूर से लोग, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों से भी लोग यहाँ पर ये लस्सी पीने के लिए आते हैं। उसकी वजह यही है कि इतना ज़बरदस्त टेस्ट, आज भी वही टेस्ट बरकरार रखा हुआ है इन्होंने, और जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं आपके साथ इसका टेस्ट शेयर करने के लिए। तो जी दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं आपको एक मशहूर लस्सी वाले के पास लेके आया हूँ, जेदा लस्सी वाले। ऐसा टेस्ट और ऐसा ज़बरदस्त किस्म की, इतनी ज़बरदस्त किस्म की थिक लस्सी मेरे नहीं ख्याल से आपको कहीं पाकिस्तान में
कहीं और से मिल सकती है, तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। और इस मशहूर किस्म की लस्सी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको एक बहुत मशहूर हस्सी के साथ मिलाने लगा हूँ, जो यहाँ पर आपको टेस्ट कर तो आपके साथ वो भी अपना यहाँ का टेस्ट जो है आपको उसका रिव्यू जो है शेयर करेगा आपसे कि किस तरह का टेस्ट यहाँ पर है। यकीन माने इतनी मज़े की लस्सी है ना, इतनी मज़े की लस्सी है कि उसके अंदर यकीन माने कि जो मलाई है ना वो अच्छी तरह सी वो घुली मिली हुई है कि ना मुझे बिल्कुल पी नहीं जा रही मुझसे, कि मलाई बहुत गाढ़ी है, बहुत थिक है, और साथ में जो ऊपर जो लस्सी है वो भी बहुत मज़े की है। तो जैसा कि इमरान भाई ने आपको बता दिया होगा, साथ साथ बहुत मज़े की लस्सी है, ज़रूर यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, आप इंजॉय करेंगे। और आप इसमें एक गाढ़ेपन के साथ साथ उन्होंने जो मलाई डाली है वो भी बहुत टेस्टी है। अब आप आम दुकानों पर आप इसकी आप मलाई खा कर देखें तो आपको वो पतली पतली सी मलाई होती है, ये बहुत गाढ़ी किस्म की मलाई है और बहुत गाढ़ी लस्सी के साथ, तो इसका टेस्ट ही एक अलग आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर दोस्तों के साथ साथ आप अपनी फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं, यानी कि फैमिली भी पीछे वो शॉप के अंदर भी बिठा देते हैं वहाँ पर, और उसके अलावा भी आपको यहाँ पर पीछे आप खड़े होकर आप लस्सी का टेस्ट जो है ना वो ले सकते हैं। मुझे तीन माने मेरी लाइफ की पहली ऐसी लस्सी है जो इतनी मैंने गाढ़ी देखी है, इतनी थिक है और बहुत मज़े की है। तो चले दोस्तों मिलते हैं इसको पीने के बाद। तो जी दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं कि लस्सी पीकर तो बहुत ही मज़ा आ गया और पेट बहुत ही ज़्यादा फुल हो गया है। यकीन माने माने कि मैं यहाँ तक फुल हो गई, यहाँ तक वाकई ऐसा ही ज़्यादा फुल हो गई। बिल्कुल सही बात है, इतनी थिक लस्सी थी और बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर जो मलाई थी वो उसका तो बहुत ही टेस्ट था, बहुत ज़बरदस्त कि ये पीने के बाद यकीन माने इतना फुल होने के बावजूद जो है ना वो नीयत हमारी नहीं बढ़ रही, हमारा दिल कर रहा है। और आप यकीन जाने कि हमने नाश्ता नहीं किया हुआ ना, हमने मेरा नहीं ख्याल रात की रोटी भी मैंने नहीं खाई और नाश्ता भी नहीं किया, और यकीन माने कि ये लस्सी पी के इतना फुल हो गया ना कि मेरा नहीं गुंजाइश नहीं रह गई कुछ खाने की या कुछ पीने की, फुल हो गया हूँ। मैं पहले आपको बता चुका हूँ मैं अपनी हाइट से ज़्यादा फुल हो गया हूँ। तो लें दोस्तों, अगर आपने ये इंजॉय किया लस्सी हमारे साथ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्त सैयद इमरान अली को इजाज़त दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई जगह पर किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त देने से पहले वो काम आपको याद होगा, चैनल को लाइक करना, सबसक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सबसे पहले हम आपको जाते जाते ये बताते रहें कि हमारे कुछ ऐसे भाई हैं, कुछ बहनें हैं और कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं हमारे देखने वाले कि जो वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते वो, तो हमारी उनसे गुजारिश है कि ज़रूर वीडियो को देखें पूरा और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, स्किप किए आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो लें दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफिज़।